असम में 126 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। मतदान के लिए 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल की तारीख घोषित कर दी गई है। 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले यहां चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जोरहाट पहुंची हुई है, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने यहां कहा है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत वादे किए थे, उसका अब क्या हुआ। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने आपसे बहुत से वादे किए थे। आपसे कहा था कि 25 लाख रोजगार मिलेगा, क्या वह रोजगार आपको मिला है। उन्होंने कहा था कि CAA लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही CAA को लागू किया गया। कांग्रेस महासचिव ने यह भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री कभी चाय बागान गए, वहां महिला कार्यकर्ताओं से मिले। चाय बागान मजदूरों को दिहाड़ी के रूप में 350 रुपए प्रतिदिन देने का वादा करने वाले पीएम को अभी तक अपना दर्द महसूस नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि हम बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, हम बहुत आश्वस्त हैं। हमारा प्रयास असम के लोगों के विकास, जरूरतों की बात करना और उनकी संस्कृति और पहचान को संरक्षित करना और उनका संरक्षण करना है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि जब यहाँ पर CAA का आंदोलन चला तब दुख नहीं हुआ, जब असम में आग लगी तब प्रधानमंत्री जी को दुख क्यों नहीं हुआ, तब वो आपके सामने क्यों नहीं आए, तब उन्होंने अपना दुख जाहिर क्यों नहीं किया। लेकिन अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज़।